आज जिस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी पे हमला बोला हुआ है, इतने हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, हमारा सारा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब तरफ से, चारों तरफ से हमले ही हमले हमारे पर किए जा रहे हैं। देश का एक एक बच्चा देख रहा है कि हो क्या रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, इनको लगता है लोग बेवकूफ है, लोग बेवकूफ नहीं है। अब पार्कों के अंदर चर्चा होने लगी है कि यह चल क्या रहा है, तो लोग एक प्रश्न पूछने लगे हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल को क्रश करना चाहते हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा है। जिस तरह का अटैक आम आदमी पार्टी के, इतने सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, कभी भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर टू भी अंदर है, नंबर थ्री भी अंदर है, नंबर फोर भी अंदर, अब कह रहे नंबर वन को भी अंदर डालेंगे। तो इस तरह का आक्रमण कभी नहीं देखा गया। तो ये चर्चा चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेन जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है, कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी।